नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। और एक बार मैं आप सभी का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम करियर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी CMA कोर्स के बारे में, और उस वीडियो में मैंने बताया था अगर हमें CMA कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, CMA करना है, तो कौन सा एग्ज़ाम हमें देना पड़ेगा, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से लेवल्स हैं वहाँ पे तीन लेवल्स है, 3 साल का कोर्स है। जैसे कि हमने वहाँ पे लेवल्स देखे हैं, फाउंडेशन था, इंटरमीडिएट था और फाइनल था। आज हम बात करेंगे और एक नए कोर्स के बारे में और एक अनदर लेवल के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर मुझे CMA फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आज हम देखेंगे अगर मुझे CMA इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के लिए एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जैसे कि कुछ लोग 10th के बाद 12th के बाद CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं और CMA कंप्लीट करते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो 10th और 12th के बाद एडमिशन नहीं ले पाते। उनका डिग्री होने के बाद, जैसे BA, BCom, BSc और कोई एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री होने के बाद CMA के बारे में सोचते हैं और CMA करना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्टली CMA इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन मिल जाता है। और जब हम CMA इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो फाइनल की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका और एक बार स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं CMA इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के बारे में, वो पूरे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आप सभी दोस्तों को विनती करता हूँ, सूचना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरा ये एकेडमिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप इस चैनल में नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो भी आज हम पूरे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, अगर मुझे CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर CMA इंटरमीडिएट कोर्स, और वो क्राइटेरिया है यहाँ पे पास्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एंड फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अदर दैन फाइन आर्ट्स फाउंडेशन एंट्री लेवल पार्ट वन एग्जामिनेशन ऑफ कैट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशन एंट्री लेवल पार्ट वन एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटेंसी लेवल पार्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ कैट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो सी, ये है क्राइटेरिया अगर आपको फाइनल और डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन चाहिए, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो लोग, जैसे कि मैंने बोला, 10th और 12th के बाद CMA एडमिशन लेते हैं और फाउंडेशन क्लियर करते हैं, तो उनको डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाएगा। मगर हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो उनके लिए क्या है, जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, जिनके पास BA, BCom, BSc का डिग्री है, मगर फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका डिग्री है BA, BCom, BSc में, तो वो एडमिशन ले सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। और यहाँ पे उन्होंने एक कॉमन फाउंडेशन एग्जामिनेशन के बारे में भी बोला है, जैसे कि हम बोलते हैं कंपिटेंसी लेवल एग्जामिनेशन 1 एंड कंपिटेंसी लेवल 2, वो दोनों एग्ज़ाम भी आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है अगर आपको इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एडमिशन लेना है। तो अब हम बात करेंगे और एक क्राइटेरिया की, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं इन बच्चों को भी और इन स्टूडेंट्स को भी डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल सकता है। पास्ट फाउंडेशन ऑफ ICSI, जिन्होंने CS का फाउंडेशन क्लियर किया है, इंटरमीडिएट क्लियर किया है, जिन्होंने CA का फाउंडेशन क्लियर किया है, उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
फॉर CMA फाइनल कोर्स, अगर हमें CMA में फाइनल कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया होगा? तो यहाँ पे है ये क्राइटेरिया, पास्ट इंटरमीडिएट कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीटेड 15 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो स्टूडेंट्स CMA इंटरमीडिएट पास कर देते हैं और इंटरमीडिएट कोर्स का एग्जामिनेशन पास कर देते हैं वो स्टूडेंट्स, और जिन्होंने 15 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, वो दो एग्जामिनेशन यहाँ पे कंपलसरी है अगर हमें CMA फाइनल में एडमिशन लेना है। तो अगर हमें CMA फाइनल में एडमिशन लेना है तो हमें इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट करना होगा, साथ ही में जो 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है, और इसके बाद ही हमें CMA फाइनल में एडमिशन मिल सकता है। तब तक हमें CMA फाइनल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये था आज के वीडियो में, हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अगर हमें CMA इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया है, और CMA फाइनल के लिए हमें एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया होगा, ये दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जाते जाते इस कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि हम इस प्रकार के वीडियोस को और भी बेहतर बना सके और आप तक लेकर आ सके। तो आज के लिए इतना ही, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ पे हम सोचेंगे और एक वीडियो के बारे में और डिस्कस करेंगे और एक वीडियो के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।